उधर भगवान गए, पार्वती से कहा ये बट का वृक्ष मोटा वृक्ष था इसके उधर खड़ी हो जाओ देखना। पार्वती बिचारी पेड़ के नीचे पीछे छिप करके खड़ी हो गई कि देखते ये क्या करते हैं। शंकर भगवान ने क्या किया, गधे का रूप बना लिया, गधा गधा। ऐसे किसी गधा कह दो तो आदमी गुस्सा हो जाए, पर शंकर भगवान कुछ भी कर सकते हैं। किसी को गधा कह दो तो गुस्सा आता कि नहीं, कोई पढ़ता लिखता नहीं ठीक से तो उसको कहते गधा है, तो गधा है यार। इसलिए गधा किसी को मत कहा करो, गणेश कहा करो, बोलो शंकर भगवान की क्या कहा करो, गणेश। गधा मत कहा करो, गणेश। भले ही गोबर गणेश कह देना पर कहना गणेश ही ना। अब बिचारी पार्वती छिपी छिपी देख रही है, शंकर भगवान गधा बन के वही रास्ता में पड़ गए जहां से सब निकल रहे थे। अब प्यासा गधा, अब पांव पटके पूंछ पटके सिर पटके तड़फ रहा प्यास के मारे महाराज। वो सब जल भरे हुए थे, हर हर महादेव बम बम भोले साहब चले गए। अरे यार ये गधा रास्ते में कहां से आ गया, रास्ता काट के निकल गए महाराज। हजारों निकल गए, लाखों निकल गए, किसी ने उस गधा के मुंह में एक बूंद पानी नहीं डाला। पार्वती देख रही है कर क्या रहे, समझ में नहीं आ रहे ऐसा नहीं हो कहीं गड़बड़ ही हो जाए। उसी में एक थे एकनाथ जी महाराज। एकनाथ का नाम सुना होगा, महाराष्ट्र के बहुत बहुत बड़े संत हुए एकनाथ जी महाराज, जिनके यहां भगवान बाल रूप में 12 साल रह के उनकी सेवा करते रहे। भगवान बाल मुकुंद लड्डू गोपाल 12 साल के बच्चे बन के 12 साल तक सेवा करते रहे उनके यहां एकनाथ जी के यहां। ऐसे सिद्ध महापुरुष थे वो। जैसे ही कांवर लेके निकले और उनको लगा कि गधा प्यास के मारे मरा जा रहा है, उनके दिमाग में आया आज तो लगता है मेरे त्रियंबकेश्वर यहीं आ गए हैं, मुझे उतनी दूर अब नहीं जाने की जरूरत है, मैं यहीं पानी चढ़ा देता हूँ। कांवर में जितना जल था पूरा का पूरा गधे को पिला दिया, 3 बार परिक्रमा करके साष्टांग प्रणाम किया और उठ करके खड़े हो गए हाथ जोड़ के। अब गधा तो गायब हो गया, महादेव प्रकट हो गए। शंकर भगवान ने कहा पार्वती से कम ऑन प्लीज, छिपी खड़ी थी पेड़ के, कम ऑन प्लीज इधर आओ। पार्वती क्या हुआ, बोले एक ही निकला है इनमें, एक ही निकला है इतने में। कहूं कहूं बृष्टि सारदी थो, कहूं कहूं बृष्टि सारदी होई, कहूं कहूं बृष्टि सारदी थो, कोई बिरला होता है। अब विष्णु भगवान जानते हैं, वो भी तो व्यापक हैं। वो जानते हैं कि इनकी भक्ति का, इनकी भक्ति की डेप्थ क्या है, गहराई क्या, वो जानते हैं। उनको पता था कि मैं इनको हटा सकता हूं, इनको हटाया जा सकता है, नहीं तो पार्वती के सामने भी सप्तऋषि चले गए थे, पार्वती के सामने, और कह दिया था उस शंकर की काय तुम शंकर से शादी करोगी, उनमें एक भी तो गुण नहीं है, अगुण अमान मात पित हीना उदासीन सब संशय चीना, योगी जटिल अकाम मन नगन मंगल वेश, ऐसे शंकर जी से शादी करके क्या करूंगी, स्टैंडर्ड का पति ढूंढ के लाएंगे तुम्हारे, स्टैंडर्ड का।
इनमें एक भी अच्छा लक्षण नहीं, उनको अपना पति बनाओगी? तुम कोई छोटे मोटे बाप की बेटी हो क्या? पर्वतराज हिमालय की कन्या हो तुम, पर्वतों की राजा हिमालय की कन्या हो, स्टैंडर्ड की लड़की हो, स्टैंडर्ड का पति ले आए तुम्हारे लिए। पार्वती को भी विचलित करने गए, पर पार्वती विचलित हुई क्या? मैं पापरों कहे जगदम्बा, तुम गृह गबन भयो विलंबा। क्यों? जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरहूं शंभू न तो रहूं कुवारी। तजौं नारद कर उपदेशो, आप कहें सतबार महेश। ये होती है भक्ति, इसको प्रेम कहते हैं, ये है दृढ़ता। तुम तो छोड़ो सप्तऋषि, तुमको जिनने भेजा है ना, वो शंकर जी भी आ जाए ना मना करने के लिए कि पार्वती सॉरी यार मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता हूं, तो अभी मैं मानने वाली, तो अभी मैं मानने वाली नहीं हूं, क्योंकि मेरा रिश्ता निष्काम है। निष्काम रिश्ता ही दृढ़ हो सकता है, सकाम रिश्ते में तो कोई दृढ़ता होती नहीं है, वो तो ढोल की पोल होती, उधर तो काम हुआ, राम राम भैया ये चले। धुंधकारी को छोड़ के वैश्याएं क्यों चली गई थी? इसलिए चली गई थी क्योंकि उस संबंध में निष्कामता थी ही नहीं, सामान समेट और ये चलती बनी। प्रेम में काम आया कि फिर वो खत्म हो जाता, फिर नहीं रहता वहां, निष्काम होता है प्रेम। सो भैया विष्णु भगवान गए और उन्होंने तारकाक्ष कमलाक्ष विधुन माली जो तीनों पुरों में बैठते, सुबह आधा घंटा ओम नमः शिवाय ने बम बम भोले ने हर हर महादेव करते और 23.5 घंटे सबकी ऐसी करने में लगे रहते थे। विष्णु भगवान ने जाकर के उनको सबको नास्तिक बना दिया। ये क्या रख के बैठे अत्थर पत्थर, क्या है ये सब? बोले शंकर, बोले काय के शंकर, फेंको इनको यहां से, ये कोई पत्थर शंकर होते? शंकर निराकार मोकार मूलम तुरियम। अब विष्णु भगवान वाला है, वो तो निराकार है, कहां तुम ये पत्थर पूज रहे हो? कुछ भी कह समझाने, कुछ भी पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, या से तो चाकी भली पीस खाए संसार। कहने को कुछ भी, किसी को जैसा भरना वैसा बोलने लग जाओ। निर्मल बाबा ने कह दिया कि भजिया रख लो पर्स में, काम हो जाएगा, शंकर जी को फेंको। उस समय पता चल गया था अपनी सबकी भक्ति कितनी दमदार थी महाराज, सबने शंकर जी को फेंक दिया था नदियों में, पास की नदियों में, नालों में, महाराज नालों तक में फेंक दिया था, इतने ऐसी भक्ति है हम लोगों की। और भजिए रख लिए थे, भगवान हटा दिए थे महाराज। Yes, we are such type of devotee. So we have to analyze ourselves. ये तो हालत है हमारी। विष्णु भगवान ने कहा क्या ये तुम अत्थर पत्थर रख, फेंको यार इनको। कोई अगवान न भगवान, कोई कुछ नहीं होता है। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। लत्ते रहो जिंदगी भर गधे की तरह, वर्क इज वर्शिप। न भाग्य है न भगवान है, वर्क इज वर्शिप। बस ऐसे लोग ऐसे ही बना दिया उनको। उनने शंकर जी के पूजन भजन करते थे सब बंद कर दिया, पर बुरे काम बंद नहीं किए। मारना लूटना पाटना ये सब बंद नहीं किया, काटना
ये बंद नहीं किया महाराज। अब उनका पाप का घड़ा भरने लग गया। विष्णु भगवान ने आके शंकर भगवान को रिपोर्टिंग करी कि मैं उनका खेल सब बिगाड़ के आ गया, बाकी काम आपको ही करना है, क्योंकि वो उनको ब्रह्मा जी का ऐसा ही वरदान है कि आप ही मार सकते हो और कोई कहां से नहीं। शंकर भगवान ने कहा अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। शंकर भगवान ने प्रकृति के 24 तत्वों को मिला करके दिव्य अस्त्र का निर्माण किया, दिव्य रथ का निर्माण किया और उस पर बैठ करके गए महाराज। जा करके अब उसी समय वो योग बन गया जब तारकाक्ष, कमलाक्ष, विदुन माली के तीनों विमान एक सीध में आ गए महाराज। आप नेक नियत से कुछ करने जाओगे तो योग अपने आप बन जाएंगे। आपकी नियत में नेकता नहीं है तो बने हुए योग भी बिगड़ जाएंगे। लोग कहते दही खा के जाओ, दूध पी के जाओगे तो काम बिगड़ेगा, दही खा के जाओ तो काम बनेगा, ऐसा कहते हैं। वो भी हो सकता है, थोड़ा बहुत उसका भी असर रहता हो, मैं एकदम निग्लेक्ट नहीं कर रहा हूं, पर मुझे ऐसा लग रहा है दही खा के जाने से अच्छा है दही मिल जाए तो खा के चले जाना, नेक नियत से जाना ज्यादा अच्छा है। नेक नियत से जाओ, पवित्र पवित्र भाव से जाओ, उससे जो काम बनते हैं वो दही से भी नहीं बनेंगे। तीनों पर एक सीध में आ गए, क्योंकि भगवान शिव कोई द्वेष बस नहीं गए थे, जगत कल्याण मंगल के लिए भगवान हैं वो, उनका ये कर्तव्य भी है, नहीं तो दुनिया चलेगी कैसे, इसलिए गए वो तीनों पर एक सीध। अभिजित मुहूर्त आ गया, पुष्करावर्त बादल बारिश करने लगे, उसी समय भगवान शिव ने जो धनुष पर बाण चढ़ा करके छोड़ा, तीनों पुर जल करके राख हो गए। जिस स्थान पर भगवान शिव के बाण से तीनों पुर जल करके राख हुए थे, शंकर भगवान वहां जहां से खड़े होकर के बाण छोड़ा था, वो तीनों उसमें से तारकाक्ष, कमलाक्ष, विदुनमाली गिरते गिरते अपने पैरासूट को खींचते, पैरासूट की रस्सी खींचते खींचते ऐसे आए कि गिरते गिरते वो शंकर भगवान के चरणों में गिरे आके महाराज, चरणों में गिर पड़े। शंकर भगवान ने क्या कहा, क्या हुआ, तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे, मुझे अपना बना लो त्रिपुरारी, मुझे अपना बना लो त्रिपुरारी, जगत में दुख भारी, अपना बना लो त्रिपुरारी, जगत में दुख भारी, मुझे अपना बना लो त्रिपुरारी, जगत में दुख भारी, मुझे अपना बना लो त्रिपुरारी, जगत में दुख भारी, जग में जहां जहाने है लगाया, जग में जहां जहाने लगाया, वहां वहां धोखा है खाया, वहां वहां धोखा है खाया, अब बाह पकड़ लो असुरारी, जगत में बाह पकड़ लो असुरारी, जगत में दुख भारी, अपना बना लो त्रिपुरारी, जगत में दुख भारी, अपना बना लो त्रिपुरारी, जगत में दुख भारी, कहाँ कहाँ जा करे शीश झुकाऊं, कहाँ कहाँ जा कर शीश झुकाऊं, किस किस को मैं अपना बनाऊं, किस किस को मैं अपना बनाऊं, अरे चरणों में ले लो सुखकारी, जगत में दुख भारी, चरणों में ले लो सुखकारी, जगत में दुख भारी, अपना बना लो त्रिपुरारी, जगत में दुख भारी, अपना बना लो त्रिपुरारी, जगत में दुख भारी, अहंकारों में
हैं भारी, अहंकार में सब है भारी, धर्म कर्म से रहते न्यारी, धर्म कर्म से रहते न्यारी, अरे कैसे समझाऊं तुम्हारी जगत में जम जाओ तुम्हारी जगत में दुखवारे, अपना बना लो त्रिपुरारी जगत में दुखवारे, अपना बना लो त्रिपुरारी जगत में दुखवारे, जगत में दुखवारे, जगत में दुखवारे, जगत में दुखवारे, जगत में दुखवारे। भगवान की जय हो।